कि दिल्ली विश्वविद्यालय जो प्रशासन है वो दिल्ली पुलिस की मदद से जो बच्चे लगातार दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई को लेके, ऑफलाइन क्लासेस को लेके, एसओएल वाले बच्चे कर रहे हैं कि भाई उनको स्टडी मटेरियल दिया जाए, उन बच्चों को लगातार टारगेट करके 188 लगाया जा रहा है। और दिल्ली पुलिस जब भी हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो आके बोलती है कि भाई कैंपस में 144 लगाओ। मांग ये है कि भाई जो भी छात्र अपनी आवाज़ उठा रहा है तो उन आवाज़ों को आप मत दबाइए, आवाज़ों को आने दीजिए, उठने दीजिए। तो विश्वविद्यालय प्रशासन को गुरूर और घमंड हो गया है, इस घमंड को ये इसी दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र तोड़ेगा, ये सिंपल बात है भाई। हम धर्मनिरपेक्षता क्यों रखते हैं अपने संविधान की प्रस्तावना में? हम धर्मनिरपेक्षता रखे हैं तो वो शब्द केवल लिखने के लिए रखे हैं कि उसका जमीनी कुछ मतलब भी है? तो यह जो सरकार आई है, या सरकार पूरे तरीके से जो सिविल वॉर की तरफ देश को ले जाना चाहती है कि भाई इस देश में दंगे हो, इस देश में लोग आपस में लड़ें, हिंदू मुसलमान हो, अलग अलग जातीय चीज़ें हो, तो ये सरकार अपने मंसूबों की तरफ बढ़ रही है, तो ये चीज़ें गलत है। ये लगा अम्बेडकर का, भगत सिंह और तमाम सारे क्रांतिकारियों का देश है। इस देश में ऐसी चीज़ें होना एक शर्म की बात है और इन सरकारों को भी समझना चाहिए। खैर, ये तो बेशर्म सरकार क्या समझेंगी, इनको जनता ही समझाएंगी, जैसे किसानों ने इनको समझा दिया, किसानों ने इनका सब गुरूड़ और घमंड सब तोड़ दिया। इसी तरीके से विद्यार्थी भी तोड़ेगा और इसी तरीके से इस देश के लोग भी तोड़ेंगे और कौमी एकता को स्थापित करने का काम करेंगे। भाई जिसको मन करेगा जो खाने का वो खाएगा, आप कौन होते हैं बोलने वाले? भाई आप कुछ खाते हैं तो कोई बोलता तो है नहीं। जिसका जो मन करेगा भाई खाएगा, जैसे मन करेगा वैसे खाएगा, क्या मतलब है आपको? कि दिल्ली विश्वविद्यालय में लगातार तो आंदोलन होता ही रहता है, लेकिन एक जो मुखर आवाज़ आनी चाहिए छात्रों की तरफ से, उस आवाज़ की कमी है, क्योंकि लगातार फीसें बढ़ाई जा रही है, लगातार पीएचडी की सीटों कट की जा रही है, प्रोफेसरों की भर्ती नहीं हो रही है। तो इन तमाम सारे मुद्दे हैं, जो फ्री एजुकेशन की बात है कि सबको शिक्षा मुफ्त में दिया जाए, तो इन सवालों को लेकर जो आंदोलन खड़ा होना चाहिए वो आंदोलन बिल्कुल पीछे गया है, वो आंदोलन नहीं हो गया। वीसी ऑफिस के बाहर जो आज हम लोग का प्रदर्शन था, जिसका विषय यही था कि दिल्ली विश्वविद्यालय जो प्रशासन है, ये दिल्ली पुलिस की मदद से जो बच्चे लगातार दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई को लेके, ऑफलाइन क्लासेस को लेके, एसओएल वाले बच्चे कर रहे हैं कि भाई उनको स्टडी मटेरियल दिया जाए, उन बच्चों को लगातार टारगेट करके 188 लगाया जा रहा है। और दिल्ली पुलिस जब भी हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो आके बोलती है कि भाई कैंपस में 144 लगा हुआ है। तो जो दिल्ली पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन का जो गठजोड़ है, जो दोनों मिल के छात्रों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, इस पुलिस ब्रूटलिटी के खिलाफ ही हम लोग का आज प्रदर्शन था कि हम लोग अपने डेमोक्रेटिक स्पेस को बचाने के लिए हम लोग आए थे और हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे थे। और यहाँ DCP ACP से भी हम लोगों की बात हुई और हम लोग उन लोगों को उनको बताया कि देखिए ऐसा ऐसा आपकी पुलिस कर रही है, तो वो लगातार झूठ पे झूठ बोलते जा रहे थे कि नहीं FIR नहीं हो रहा है, आप लोग सड़क जाम करते हैं। तो हम लोग बोले कि भाई 4 नंबर गेट पे कौन सा सड़क है जिस पे कि हम लोग जाम कर रहे हैं? भाई वो अपना एक स्पेस है, उस स्पेस में हम लोग करते हैं, तो भी हम लोग FIR दर्ज होता है। तो ये बातें हम लोग रखी, वो झूठ बोले। ACP साहब खैर आश्वासन भी दिए कि ठीक है ऐसा नहीं होगा, या ये जो भी चीज़ें हैं, तो हम लोगों ने उनको लगातार बताया, तो अपना फिर वो वापस चले गए। तो हम लोग का इस यही दरअसल इशू था कि भाई हम लोगों का प्रोटेस्ट करना डेमोक्रेटिक राइट है, आप इस राइट को नहीं खत्म कर सकते हैं। तो हमें अपने उस अधिकार के लिए हम लोग आए थे आज प्रोटेस्ट करने के लिए। अच्छा, तो ओबी को लेकर जो लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है और जिस तरह से पुलिस कर रही है, तो उसको लेकर कुछ बात नहीं क्या कि आगे प्रदर्शन चलता रहेगा या फिर जो है नहीं चलेगा? नहीं, दिल्ली पुलिस का देखिए दरअसल ये ओबी वाला ही मसला नहीं है। जब भी आप दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रदर्शन करने आइएगा, तब ये दिल्ली पुलिस आपको 2 दिन पहले से फ़ोन करने लगेगी कि भाई आप प्रोटेस्ट मत करिए। उसके तमाम अधिकारी फ़ोन करते हैं कि आप धारा 144 लगी है, आप प्रोटेस्ट करेंगे तो आप FIR दर्ज होगा। ठीक है, ये पहले से ही वो हड़काती है, फिर जब आप प्रोटेस्ट करने आते हैं, प्रोटेस्ट स्थल पे आती हैं, आपको उठाती हैं, बसों में डालती हैं, लेके जाती हैं, FIR दर्ज करती है। तो ये जो रवैया है ना कि भाई किसी भी इशू को लोगे, मान लीजिए वो चाहे OB हो या आपका ऑफलाइन क्लासेस का हो या आपका स्टडी मटेरियल का हो, जो भी कोई भी इशू हो, तो हमारा मांग ये है कि भाई जो भी छात्र अपनी आवाज़ उठा रहा है तो उन आवाज़ों को आप मत दबाइए, आवाज़ों को आने दीजिए, उठने दीजिए। तो विश्वविद्यालय प्रशासन को गुरूर और घमंड हो गया है, इस घमंड को ये इसी दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र तोड़ेगा, ये सिंपल बात है। तो ये सब यही इशूज है। अच्छा, ओबी प्रोटेस्ट को लेकर आपका क्या सोच?
फैक्ट कि जो भी छात्र यदि मांग कर रहे हैं ओबी की, यदि वो मांग कर रहे हैं, देखिए एक तो बात ये है कि यदि क्लासेज ऑनलाइन हुई है तो ऑनलाइन क्लासेज में सारे लोग जानते हैं कि किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। यदि 90% 100% क्लासेज यदि ऑनलाइन हुई है तो भाई फिर आप उनको दीजिए, यदि ओबी करिए, उनका सिलेबस नहीं पूरा है तो समय लीजिए, सिलेबस पूरा करवाइए, सिलेबस पूरा करवा के फिर आप एग्ज़ाम लीजिए। तो ये है, ये ओबी प्रोटेस्ट का ये की चीज़ें हैं कि भाई अगर आप ऑनलाइन क्लासेज चला रहे हैं तो भाई आपको लेना पड़ेगा वैसे एग्ज़ाम। हाँ, हम लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि आप ऑफलाइन क्लासेज चलाइए, ऑफलाइन क्लासेज चलाइए, ऑफलाइन आप जैसे पहले चीज़ें चलती थी, जैसे पहले एग्ज़ाम होते थे, भाई पहले ऑफलाइन क्लासेज करिए फिर आप अपना उस तरीके से शेड्यूल चलेगा। आखिर क्या कारण है कि जिस तरह से ये छात्रों के अलग अलग समस्या होते हैं, चाहे वो DU हो, JNU हो, जामिया हो, अलग अलग और भी विश्वविद्यालय है, खासकर SOL हो, तो इस तरह के छात्रों के मुद्दे होते हैं लेकिन उस पर जो है आंदोलन नहीं हो पाता, या फिर जो है जो भी छात्र लीडर हैं वो जो है इस चीज़ को नहीं कर पाते, अलग अलग मुद्दे पर जो है आंदोलन हो जाते हैं। अभी जो है किस मुद्दा हो जाए, कोई हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा हो जाए, उस पर बड़े बड़े आंदोलन हो जाते हैं, तो उसको लेके क्या कहना? देखिए एक बात तो ये तो है कि दिल्ली विश्वविद्यालय लगातार तो आंदोलन होता ही रहता है, लेकिन एक जो मुखर आवाज़ आनी चाहिए छात्रों की तरफ से, उस आवाज़ की कमी है, क्योंकि लगातार फीसें बढ़ाई जा रही है, लगातार PhD की सीटों कट की जा रही है, प्रोफेसरों की भर्ती नहीं हो रही है, तो इन तमाम सारे मुद्दे हैं, जो फ्री एजुकेशन की बात है कि सबको शिक्षा मुफ्त में दिया जाए, तो इन सवालों को लेकर जो आंदोलन खड़ा होना चाहिए वो आंदोलन बिल्कुल पीछे गया है, वो आंदोलन नहीं हो पा रहा है। ये तमाम ये छात्रों के लिए ही कमी, मतलब ये हम तमाम सारे लोगों का कलेक्टिव एक क्रिटिसिज्म है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग कोशिश कर भी रहे हैं लगातार, देश के अलग अलग हिस्सों से भी आवाज़ें उठ रही है, आवाज़ें उठेंगी, और यह जो पुलिस है, सरकार है, यह सरकार लगातार उन आवाज़ों को दबा रही है, अटैक पे अटैक। अब भाई कोई भी बोल देगा तो उस पर वो UAP लगवा के उसको जेल में डाल देंगे, ऐसे ही मतलब ये खौफ का माहौल बना दिए कि आप कुछ बोलिए मत, आप कुछ सोचिए मत, आप कुछ पढ़िए मत। देश में जिस तरह से जो है टेंशन का माहौल बन रहा है, खासकर हिंदू और मुस्लिम को लेके, कहीं पे जो है मस्जिद को लेके अजान को लेके हो रहा है, तो कहीं पे जो है घंटा को लेके हो रहा है, मतलब अलग अलग चीज़ों को लेके जिस तरह से हो रहा है, कहीं पे बिरयानी को लेके हो रहा है, तो इसको लेके जो है क्या सोचना है, खासकर जो छात्र युवा वर्ग है उनका जो है क्या सोचना है, तो इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए जो दरअसल सरकारें हैं, जो युवा होता है किसी भी देश का, जो हम लोग भी इंस्टीट्यूशन में जो पढ़ते हैं या विश्वविद्यालयों में हम लोग रहते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, सरकार की पूरी कोशिश है, वो चाहे अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से, चाहे अपने सरकारी हुक्मरानों के माध्यम से, या चाहे जो भी उनके नेता है, जो भी ये सरकार है, यह सांप्रदायिक जहर लोगों के दिमाग में फैलाना चाहती है, उससे छात्र भी अछूता नहीं है। जो युवा एक बड़ा समुदाय है उसके अंदर भी ये भरने का काम लगातार किया जा रहा है, इसमें पूरा मशीनरी लगी हुई है। तो ये तो है, ये तो चीज़ें हैं कि वो अपने मंसूबे की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि यह देश किसी एक धर्म का नहीं है, किसी एक जाति का नहीं है, किसी एक संप्रदाय का नहीं है। भाई हम धर्मनिरपेक्षता क्यों रखे हैं अपने संविधान की प्रस्तावना में? हम धर्मनिरपेक्षता रखे हैं तो वो शब्द केवल लिखने के लिए रखे हैं कि उसका ज़मीनी कुछ मतलब भी है? तो यह जो सरकार आई है, यह सरकार पूरे तरीके से एक जो सिविल वॉर की तरफ देश को ले जाना चाहती है कि भाई इस देश में दंगे हो, इस देश में लोग आपस में लड़ें, हिंदू मुसलमान हो, अलग अलग जातीय चीज़ें हो, तो ये सरकार अपने मंसूबों की तरफ बढ़ रही है, तो ये चीज़ें गलत है, ये लगातार गलत है भाई। यह देश अम्बेडकर का, भगत सिंह और तमाम सारे क्रांतिकारियों का देश है, इस देश में ऐसी चीज़ें होना एक शर्म की बात है, और इन सरकारों को भी समझना चाहिए। खैर ये तो बेशर्म सरकार क्या समझेंगी, इनको जनता ही समझाएंगी, जैसे किसानों ने इनको समझा दिया, किसानों ने इनका सब गुरूड़ और घमंड सब तोड़ दिया, इसी तरीके से विद्यार्थी भी तोड़ेगा, और इसी तरीके से इस देश के लोग भी तोड़ेंगे, और कौमी एकता को स्थापित करने का काम करेंगे। भाई जिसको मन करेगा जो खाने का वो खाएगा, आप कौन होते हैं बोलने वाले? भाई आप कुछ खाते हैं तो कोई बोलता तो है नहीं, जिसका जो मन करेगा भाई खाएगा, जैसे मन करेगा वैसे खाएगा, क्या मतलब है आपको भाई? अब इनका मतलब इनका रूल ही अलग है, इनका कानून और नियम तमाम सारी चीज़ें गजब अलग तरीके का पूरा बना रखे हैं, लगता है लोकतांत्रिक देश नहीं है, लगता है कि हिटलर का देश है। नहीं सहेंगे, 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 नहीं सहेंगे,
करो, प्रदर्शन को कुचलना बंद करो, बंद करो, बंद करो, प्रदर्शन का दमन नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। छात्र अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, छात्र अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, तांत्रिक अधिकारों का दमन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।